जिन्मा की आत्मा घुस गई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव की रणनीति तय होने लगी। यूपी विधानसभा की रिक्त 10 सीटों पर जल्द उपचुनाव का ऐलान होगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सीटों को जीतने के लिए जोर आजमाइश में जुट गए। अलीगढ़ की खैर सीट सुरक्षित सीट, यहां भी से चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ इस सीट पर पहुंचकर क्षेत्र को कई सौगातें दे चुके हैं। ऐसे में स्थानीय जनता इस विधानसभा सीट को लेकर क्या सोचती है? अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखी। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरजाना मलिक जी। फरजाना मलिक, हाँ, तो आज आप योगी जी की सभा में आई हैं। जी, जी। कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। हम तो इनके वैसे भी फैन हैं और बहुत दिल से चाहते हैं इनको। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? शाहजामाल तेलीपाड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो योगी जी की सभा में आपने शिरकत किया, तो लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहो? कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा वाले जो हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं, उनके लिए क्या कहोगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो खुद वोट दिलवाया था मुस्लिम लोगों का अपने क्षेत्र से, मुस्लिम क्षेत्र से जी, और 250-300 वोट दिलवा के दिलवाया था मैंने सांसद जी को। जी, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम और हिंदू कुछ नहीं है, पक्ष भी पक्ष कुछ नहीं होता। तो पहले मुख्यमंत्रियों और योगी जी में आपके लिए कोई फर्क मालूम पड़ता है? जी नहीं। अच्छा। मैं तो जानती हूँ कि मुझे इस सरकार में कुछ महिलाओं के लिए बहुत सपोर्ट नजर आती है। बाकी कांग्रेस वाली सरकार जब थी तब वो महिलाएं निकलती थी तो लोग उनको छेड़ते थे, आज नहीं है। आज लड़की खुद अपने आप में नेताजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौधरी जी। आज यहाँ आप योगी जी की सभा में आए तो उसके लिए क्या कहेंगे, कैसी भीड़ है? योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी कतरवी विधानसभा खैर में उपचुनाव की वजह से भ्रमण का एक कार्यक्रम था, इस वजह से आए, बहुत अच्छा लगा। और आने वाले टाइम में जो योजना कार्य योजना चल रही है इनकी, बहुत सभी लोग खुश हैं। बस थोड़ा एक MSP वो एक सभी किसानों को थोड़ा एक MSP पे थोड़ा सा वो है, वो भी अगर क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और बाकी सबके लिए सम्मान निधि, जो भी कार्य योजना चल रही है ऑलरेडी ठीक चल रही है। तो किसानों के लिए आज योगी जी ने कुछ कहा नहीं? किसानों के लिए नहीं कहा है, लेकिन किसानों के लिए उनके दिल में है, बहुत कुछ है उनके दिल में, और वो जिस दिन उनको मौका लगेगा वो बहुत कुछ कहेंगे। चलिए, आपने डेली न्यूज से बात की संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी गुप्ता है, मैं गोंडा से हूँ। और एक बताइए, वैसे मोदी सरकार आज आप तो योगी जी की सभा में आए थे, तो ये कैसी लगी सभा आपको? बिल्कुल बेकार। कैसे क्यों? अरे, किसी के लिए घर में पानी है, किसी के घर में नहीं है, किसी के घर में कुछ खाने को नहीं है, सब पैसे वालों के लिए कर रहे हैं। मोदी किसके लिए कर रहा है? सरकार राशन देती है वो एक बार देती है, कोई वो नहीं है, हाँ। है उसमें भी पैसे भी काट लेती है कुछ। किसी के घर में बिजली है, पानी नहीं है, सड़क बनने को पड़ी है, बिल्कुल किस बात का योगी कुछ कर रहा है? गरीब रईसों के लिए कर रहा है मोदी तो। नहीं तो वैसे आप योगी जी की सभा में आइए तो क्या मांग करना चाहूंगी, क्या आपके लिए जरूरी लगता है? देखो, घर घर में बच्चों को सुविधा हो, पानी की, पढ़ाई की, हर चीज की सुविधा हो बच्चे के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा बिल्कुल भी? क्या नाम बताया आपने? रिंकी गुप्ता। कहाँ से? गोड़ा से। चलिए, आपने डेली न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय क्या है? मीना नाम है मेरा। मीना, कहाँ की रहने वाली हो? बड़ा गाँव अकबरपुर। बताइए, आज आप योगी जी की सभा में आई थी? आज मकान टूटा पड़ा, एक बार में फर्म भर दिए, कोई सुनवाई नहीं आई थी। ये कितने समय पहले की बात है? ये 2 साल पहले की बात है। अच्छा, कितने बच्चे? चार बच्चे। कितने बड़े बड़े? एक 10 साल का है, उससे छोटे छोटे। लेकिन उसके बाद में अभी तक तुम्हारा मकान का कोई नंबर नहीं? उसका बनना है, उसका तो आ गया, उसका टूटा पड़ा है, पट्टिया लकड़ी पड़ी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। चलिए, धन्यवाद। आपने डेली न्यूज से बात की, आपने अपनी पीड़ा बताई, बहुत बहुत।